बेगम कुलसुम नवाज की वफात पर शरीफ खानदान से इजहार ताजियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। तुर्की के वजीर खारजा भी ताजियत के लिए जाती उमरा पहुंचे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा 24 न्यूज उस्मान इलियास। उस्मान, बताइएगा आप इस वक्त जाती उमरा रायवंड में मौजूद है, बताइएगा कौन कौन सी शख्सियात आई है यहाँ पर शरीफ खानदान से इजहार ताजियत के लिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जाती उमरा के बाहर मौजूद हूँ और जैसा कि बेगम कुलसूम नवाज का नमाज़े जनाजा के बाद तस्लीम का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ताज़ियत के लिए जो मुल्की और गैर मुल्की क़यादत है उसकी आमद का सिलसिला अभी ताहल जारी है। और इस वक्त भी जो तुर्की के वज़ीर खारजा हैं मेहमत चाविश ओगलो और उनके साथ जो अम्बेसडर है वो इस वक्त अंदर नवाज शरीफ के साथ इजहार ताज़ियत के लिए मौजूद हैं और उनके साथ जो है उनका अभी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है वो अंदर हैं और अभी तक जो ताज़ियत और उनके साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से कुल खानी के हवाले से भी अहम फैसला सामने आया है कि कुल खानी जो है इतवार को शाम 4 बजे शुरू की जाएगी और 5:30 बजे जो है दुआ की जाएगी और उसके साथ ही नवाज शरीफ ने तमाम अहले जो मुस्लिम लीग नून कारकुनान हैं और उनके क़यादत हमसे ये भी अपील की है कि बेगम कुलसूम नवाज के हक में जो है साले सवाब के लिए पढ़ाई की जाए और वो साथ लिख के लाएं ताकि जो है वो बीच में शामिल करके उनके दर्जात की बुलंद की दुआ की जाए। और ताहल अभी जो आम कारकुनान हैं उनके जो आमद का सिलसिला है वो रोक दिया गया है, मगर अभी जो गैर मुल्की और मुल्की क़यादत है वो आ रहे हैं और हज़ारे ताज़ियत कर रहे हैं। लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास आपका।